वाम युवा संगठन AIYF के राष्ट्रीय आह्वान पर रविवार को मधेपुरा जिला मुख्यालय के बस स्टैंड पर विभिन्न मांगों के समर्थन में संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। संगठन के जिला अध्यक्ष मुन्ना कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। पुतला दहन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय परिषद सदस्य शंभू क्रांति ने कहा कि वर्तमान सरकार युवाओं को रोजगार देने एवं जरूरत की चीजें जैसे पेट्रोल डीजल तथा गैस की कीमतों को नियंत्रण करने में पूरी तरह नाकामयाब साबित हुई है। आम आदमी जिससे बेहाल है और सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने में मस्त है। उन्होंने कहा है कि संगठन लगातार मांग कर रही है कि सरकार भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून को लागू करे जिससे युवाओं को रोजगार के मार्ग खुलेंगे। उन्होंने कहा कि आज भविष्य को लेकर युवाओं के बीच हाहाकार मचा हुआ है। निकम्मी सरकार द्वारा उपयोगी पहल नहीं होने के कारण अनेकों अनेक प्रकार के डिग्री प्राप्त युवा रोजगार के लिए यहां वहां भटकने को मजबूर हैं। वहीं मुन्ना कुमार ने कहा कि वर्तमान केंद्र व राज्य की सरकार की नीति समाज के हित में नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़क की हालत काफ़ी दयनीय हो चली है। सरकार के द्वारा योजनाओं को नेताओं की कमाई के लिए कामधेनु बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालत में युवाओं को एकजुट होकर आगे आने की ज़रूरत है जिससे हक की लड़ाई और मजबूत की जा सके। जिलाध्यक्ष मुन्ना कुमार ने कहा कि बड़े स्तर पर रोजगार के विकल्प को तैयार करने की ज़रूरत है जिससे युवाओं के भविष्य को आधार मिले और देश के विकास को गति मिल सके। युवा जब खुश होंगे तभी देश खुशहाल होगा। ये हमारा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। पूरे देश में प्रधानमंत्री का पुतला जलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जिस समय में चुनाव में आए थे उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा, लेकिन आज तक रोजगार नहीं मिला। हम रोजगार के सवाल पर नरेंद्र मोदी का पुतला जला रहे हैं। उसके बाद हमारा डीजल खाद और किसानों के हित में जो 6 महीना से किसान बॉर्डर पर बैठा हुआ है, पूरे देश के किसान का बेटा नौजवान है, उन्होंने नौजवान ने उस किसान के सवाल पर भी आंदोलन किया और डीजल पेट्रोल गैस रसोई या तमाम चीज नरेंद्र मोदी इस देश में जो भी सार्वजनिक व्यवस्था था उसको बेचकर नरेंद्र मोदी देश को बर्बाद कर दिया। अगर इन बातों को अगर वापस नहीं लिया नरेंद्र मोदी तो पूरे देश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसकी सारी जवाबदेही प्रशासन की होगी। शंभू क्रांति AIYF राष्ट्रीय परिषद सदस्य।